जबलपुर नगर निगम के विपक्ष में बैठी भाजपा सत्ता पक्ष पर लगातार हमले कर रही है। वहीं महापौर पर निष्क्रियता का भी आरोप लगाया जा रहा है। भाजपा पार्षदों का कहना है कि उनके क्षेत्र के काम नहीं हो पा रहे हैं। इस शिकायत के चलते नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विज ने भाजपा पार्षद दल की बैठक लेकर उनकी समस्याएं सुनी। इसके बाद उनके द्वारा नगर निगम कमिश्नर से चर्चा की गई और इन पार्षदों के कामों के लिए राशि आवंटन को हरी झंडी मिल गई। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल का कहना है कि महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू जीतने के बाद विकास के कार्यों में अब कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। उन्होंने जनता से जो वादे किए थे जीतने के बाद इस ओर ध्यान नहीं दिया। इनके द्वारा निगम अध्यक्ष रिंकू विज का आभार जताया गया। मगर बाकी जो लोग हैं ये बहुत परेशान हैं, क्योंकि हम लोग के पास और रिंकू भैया के पास बहुत फोन आते हैं कि भैया हमारा काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। जनता परेशान तो कर रही है, क्योंकि जनता के सामने जब हम वोट मांगने गए थे तो हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे थे कि हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, और अभी हम उसमें पूरी सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। हाँ, एक चीज जरूर है कि शहर में जो रोडें बन रही है, निश्चित रूप से जितनी मेन रोड है वो अच्छी बन रही है और भारी मात्रा में बन रही है। जैसा कि अभी आपने बोले कि नालों पे भी वर्क ऑर्डर हो रहा है और काम उसमें भी हो रहा है, तो ये नाले बनते हैं तो निश्चित रूप से जल वाहन की स्थिति खत्म हो जाएगी। ये चुनाव हमारे लिए तो नगर निगम है, हमारे लिए वार्ड है, हमारे लिए आप पार्षद लोग हैं, तो हम तो नगर का विकास करने का प्रयास करेंगे और हर साल चाहे इस साल हर साल हम आपके साथ में रहेंगे। जो आगे सब सितंबर में सॉरी अगस्त में भी हम हर जोन में मीटिंग ले लेंगे फिर से एक बार, जैसे इस माह में हुई, और अपेक्षा करता हूँ इस माह में जो मीटिंग हुई है वो सफल हुई है। जो आपके इश्यूज आए हैं वो मेरे पास पहुंच गए हैं, वो सफल हुई है, और हम अगर आपकी अनुमति हो तो फिर से हम सितंबर में हर जोन में मीटिंग रखेंगे सभी पार्षदों के साथ। तो जो मीटिंग हम रखते हैं उसमें कम से कम जो सब इंजीनियर आपके लेवल के होते हैं, एरी लेवल के इंजीनियर होते हैं, वो आपके साथ साथ आपके सामने विषय रखा जाता है तो उनके जवाब भी आ जाते हैं।